हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो के साथ। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, अपने देश में बहुत तेज गति से नए नए एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है, जिससे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरेगा और साथ ही साथ देश को इकोनॉमी में भी बूस्ट मिलेगी। तो आइए बात करते हैं मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे की, जिसको नागपुर मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेसवे भी माना गया है। और यह एक्सप्रेसवे भारत के राज्य महाराष्ट्र में बनेगा, जिसकी कुल लंबाई 701 किलोमीटर होगी और यह एक्सप्रेसवे 8 लेन चौड़ा होगा। मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे महाराष्ट्र की 2 मेजर सिटी को जोड़ेगा। फाइनेंशियल नगरी मुंबई को नागपुर से जोड़ेगा, जो महाराष्ट्र की दोनों राजधानी भी हैं। इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट लगभग 55,000 करोड़ आएगी और इसकी डेडलाइन 2023 रखी गई है। यह एक्सप्रेसवे भिवांडी के पास गांव अमाने से शुरू होकर 10 डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरेगा और 392 गांव से गुजरते हुए नागपुर के शिव माड़का में पहुंचेगा। मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे बनने के बाद मुंबई नागपुर की दूरी सिर्फ 8 घंटे की ही रह जाएगी, जिससे ट्रैवल टाइम बचेगा और ट्रैवल कॉस्ट भी बचेगी। इस एक्सप्रेसवे की स्पीड लिमिट 150 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई है फ्लैट टेरेन में, और माउंटेन टेरेन में 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रखी गई है। यह एक्सप्रेसवे एक ग्रीनफील्ड और कंट्रोल एसेस एक्सप्रेसवे होगा। यह भीड़वाड़ी, कल्याण, नासिक, अमरावती, थाने, औरंगाबाद, शिरडी, वायनाड, नागपुर से होकर गुजरेगा और साथ ही मुसाफिर वेस्टर्न घाट के भी नज़ारे ले पाएंगे, क्योंकि यह एक्सप्रेसवे वेस्टर्न घाट से होकर गुजरेगा। महाराष्ट्र सरकार इस एक्सप्रेसवे के आसपास 24 टाउनशिप बसाएगी, जैसे हेल्थ केयर, आईटी पार्क, एजुकेशनल और इंस्टीट्यूट एक्सेट्रा। इस एक्सप्रेसवे को L&T बना रही है। इस एक्सप्रेसवे बनने के बाद भारत का एक्सप्रेसवे का नेटवर्क बहुत बढ़ जाएगा और भारत की इकोनॉमी में बूस्ट मिलेगा और भारत की सड़कें इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी मजबूत होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।